आपका स्वागत है। इस साल जहां एक तरफ टीवी से लेकर बॉलीवुड तक सेलेब्स अपने रिलेशनशिप को शादी में बदल रहे हैं, वहीं साल के खत्म होने तक सुष्मिता सेन ने अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ अपने रिलेशन के खत्म होने की खबर पोस्ट की है। आज सोशल मीडिया पर अभिनेत्री सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल काफी चर्चा में बने हुए हैं। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए इन सभी के सवालों का जवाब दे दिया है। दरअसल अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे अब रोहमन शॉल के साथ रिलेशन में नहीं हैं और दोनों अब सिर्फ दोस्त हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस पोस्ट में अभिनेत्री ने रोहमन के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, हमारे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई और हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। रिश्ता काफी पुराना था, प्यार बाकी रहेगा। वहीं सुष्मिता के बाद रोहमन ने भी उनके इस पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए अपने अलग होने की पुष्टि कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुष्मिता सेन बीते 2.5 साल से रोहमन के साथ रिलेशनशिप में। रोहमन और सुष्मिता की उम्र में 15 साल का अंतर है। अपने इस रिश्ते के दौरान दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन अब ब्रेकअप के बाद रोहमन अपने दोस्त के घर जा चुके हैं। सुष्मिता सेन के अलावा रोहमन की उनकी दोनों बेटियां रैनी और अलीशा के साथ भी बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आए दिन रोहमन सुष्मिता और उनकी दोनों बेटियों के साथ वीडियोस शेयर किया करते थे। कई बार सोशल मीडिया पर भी सुष्मिता सेन और रोहमन ने लोगों के साथ बात की थी। लोग उनकी जोड़ी को काफी पसंद भी करते थे। रोहमन अक्सर खुद को दोनों का पिता बताते थे। एक इंटरव्यू के दौरान रोहमन ने बताया था कि सुष्मिता से मिलने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। बाहरी लोग के तौर पर हम इन स्टार्स के जीवन के बारे में काफी सारी धारणा बनाते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है कि वे कितने मेहनती होते हैं। अब देखना यह है कि सुष्मिता सेन की इस पोस्ट के बाद लोग किस तरह से उनके इस पोस्ट को लेने वाले हैं। सो गाइस, क्या कहना है आपको रोहमन और सुष्मिता सेन के लिए? सो गाइस क्या कहना है आपको सुष्मिता सेन और रोहमन के लिए? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।